तो कलम जो लास्ट टॉपिक पर थे उसको हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था कि एडिशन, एडिशन जो टॉपिक चल रहा था, एडिशन जो टॉपिक, ठीक है, तो एडिशन में आप तो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है कि डेसिमल एडिशन आपको आता ही है, डेसिमल में आप कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑक्टल में कैसे होता है, हेक्साडेसिमल में कैसे होता है, अदर में हमने देखा कि ऐड कैसे करते हैं, बाइनरी में कैसे ऐड करते हैं, ठीक। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे तो जो ज़्यादा यूज होता है बाइनरी यूज होता है, सबसे ज़्यादा तो हम लोग बाइनरी का देख लेते हैं। बीच में जहाँ भी हमको दिक्कत आई वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो हम यहाँ पे बाइनरी देख रहे हैं, तो बाइनरी हर चीज़ 0-1 में होती है, 1-1 मान लिया, 0-1-1, ठीक है, एंड 0-1-1-0-1-0-1, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। मैं आपको एक रूल बता देना, देखिए 0-0 बाइनरी में 0 होता है, 1-0 1 1-1 0, एंड 0-1 0 में से 1 नहीं जाएगा, ये तो आपको पता है कि छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक बोरो लेना होता है। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, बोरो लेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 1 इज बोरो, हमने बोरो लिया 1 बोरो लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज हमने मान लिया कि नेक्स्ट हायर बिट्स हमने एक बोरो लिया, ठीक है, नेक्स्ट हायर बिट्स हम तो बोरो लेंगे, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो हम एक बार बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 क्या होगा, बोरो हो गया। ये हम यहाँ पे ये सोच कर रहे हैं, 1-0 यानी 0 है तो 1 लेंगे तो 1-0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं 0 में से 1 नहीं जाएगा तो आपको क्या करना होगा, एक बोरो लेना होगा, हमने यहाँ से एक बोरो लिया, ये हो गया 0, यहाँ पे बोरो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-0। या मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैंने कल आपको जैसे बताया था कि बाइनरी जब हम बात करते हैं बाइनरी, बाइनरी में आपको ध्यान होगा कि बेस कितना होता है, 2 बेस होता है, तो जब कैरी जनरेट हो रहा था तो 1 कैरी किसके इक्विवेलेंट था, 2 के, 2 कैरी किसके इक्विवेलेंट था, 4, उससे यहाँ पर भी है, जब हम बोरो लेंगे तो किसके इक्विवेलेंट होगा, 2। डेसिमल में आपको क्लियर होगा कि जब हम सबट्रैक्ट करते हैं छोटे मान लीजिए 4 में से 5 में जा रहा है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हायर बिट से बोरो लेते हैं, बोरो लिया हमने 1 तो क्या होगा, 14 होगा, 14 कैसे होगा, क्योंकि एक बोरो ले रहे हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट, 10, तभी तो 10 और 4 क्या होगा, 14 में से फिर 5 जाएगा कितना जाएगा, 9। सेम वही चीज़ यहाँ पे जब बोरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से बन गया 1, अब देखिए ये 0 हो गया तो 0 में से बन नहीं जाएगा, फिर यहाँ से एक बोरो लेंगे नेक्स्ट टाइम से 0 हो जाएगा, ये कितना होगा, 2 में से बन गया 1, ये 0-0 0, 0 में से बन नहीं जाएगा, फिर एक बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 0-2, 2 में से बन गया 1, ठीक है, एंड 0 में से 0 गया 0 और 1-1 0, तो ये आंसर हमारा आ गया बाइनरी में, ठीक है। ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक। सब्जेक्ट क्या आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल सिस्टम डिजाइन, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ये हो चुका है, अब इतना सफिशियंट है सब्ट्रैक्शन हमारे लिए, आगे तो हायर सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि और कैसे सब्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको कोड बताने जा रहा हूँ कुछ, पहला अदर कोड, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एक ग्रे कोड दिया था, BCD कोड दिया था, X3 कोड दिया था, और भी कोड होते हैं, 2421 कोड होते हैं, इन सब को हम अब डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रे कोड, ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कोड क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, ग्रे कोड आपको यदि ध्यान हो तो मैंने बताया था ग्रे कोड मतलब होता है कि नॉन वेटेड कोड, क्लियर है। ग्रे कोड क्या होता है, इट इज नॉन वेटेड कोड, इसका वेट नहीं होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था पोजिशनल नंबर सिस्टम है, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम,
सक्सेसिव नंबर इज रेफर बाय वन बिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी जो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नॉन वेटेड कोड, पहली चीज होगी नॉन वेटेड कोड है। दूसरा सक्सेसिव नंबर इज रेफर बाय वन बिट, जो सक्सेसिव नंबर होगा वो एक बिट डिफर होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक कोड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लिक कोड। ठीक है, एंड एक और पॉइंट बताने जा रहा हूं, मिनिमम एरर कोड, मिनिमम
अब यहां से देखते हैं हर एक पॉइंट, मैंने क्या बताया सक्सेसिव नंबर ये पर बाइट वन बिट सक्सेसिव नंबर, ये नंबर और ये नंबर देखिए एक बिट डिफरेंस है इन दोनों में, पहले वाला सेम है दूसरे वाले से देखिए, इन दोनों में देखिए पहले वाला सेम है दूसरा वाला सेम है, एक ही बिट डिफर है, इन दोनों में देखिए पहले वाला सेम है दूसरे वाला सेम है, इन दोनों में देखिए पहले वाला सेम है दूसरे वाला सेम है, तो सक्सेसिव नंबर ओनली डिफर बाय वन बिट। नेक्स्ट मैंने लिखा यूनिट डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड मतलब क्या, सक्सेसिव नंबर में जो है डिफरेंस वन बिट का आ रहा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड, डिस्टेंस क्या है यूनिट वन, तो डिफर बाय वन बिट इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। क्लियर है, आगे देखते हैं, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कन्वर्जन आता है कि आपको बाइनरी दिया हुआ है, बाइनरी ग्रे कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड यानी बाइनरी में दिया हुआ और ग्रे में कन्वर्ट करना है, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 1101010 ये बाइनरी में दिया हुआ है और किसमें कन्वर्ट करना है ग्रे में। पहली चीज क्या है कि ये आपको लिख के देगा तभी आप बता पाएंगे कि ये किसमें है, क्योंकि जब हम बात करते हैं डिजिटली की तो हर चीज किसमें होती है जीरो वन में, जीरो वन में हर चीज हो सकती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको लिख के नहीं देगा तो आप मुझे बताइए कि ये जीरो आपका ग्रे में या बाइनरी में, तो बाय डिफॉल्ट आप यही मान के चलते हैं अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाइनरी है सिंपल, लेकिन आपको यहाँ पर लिख के देगा तभी आप बता पाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है बाइनरी ग्रे को, यहाँ पे लिख दिया कि बाइनरी में दिया हुआ है ग्रे में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक एग्जांपल है ये 1 1 0 1 1 0, देखिए ये पहले बिट एज इट इज ऐसे ही, ठीक है पहले बिट हमने क्या किया ऐसे, अब इसका और इसका हम क्या करते हैं एक्सऑर लेते हैं, तब नेक्स्ट बिट आती है XOR मतलब होता है XOR, ये गेट का एक सिंबल है। ठीक है, लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आए, तो अभी मैं सिंपल आपको XOR का आउटपुट बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लॉजिक गेट हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि हम उनका डिजाइनिंग करना, सर्किट डिजिटल सिस्टम डिजाइनिंग जो आपका नाम है यहाँ, हम लोग सर्किट डिजाइनिंग भी बोल सकते, तो पूरा सर्किट बनाना है तो उसके लिए लॉजिक गेट्स यूज होंगे, लॉजिक गेट्स यूज होंगे तो बिना लॉजिक गेट्स के डिजाइन नहीं होगा, तो हमें लॉजिक गेट स्टडी करना होगा। एक्सोर का जो आउटपुट है दो इनपुट के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक है दो इनपुट, तो सेम पे क्या होगा अगर दोनों बिट सेम है 0 0 या 1 1 है, दोनों का आउटपुट क्या आएगा 0, सेम बिट दोनों नंबर क्या सेम है यानी बाइनरी में दोनों सेम है 0 0 या 1 1, तो आउटपुट क्या आएगा 0, और अगर 1 0 हो या 0 1 एक भी बिट अलग हो आउटपुट में क्या आएगा 1, ये है इसका लॉजिक। हमने तो लॉजिक गेट बता दिया, तो मैं वहाँ पर सिंबल भी बताऊँगा आपको, सिंबल बेसिकली ये ही होता है एक्सोर का, क्योंकि एक्सोर गेट ये इस तरह बनता है ये, तो सेम पे 0 और बिट अगर बिट डिफरेंट रहेंगी तो क्या आएगा आउटपुट 1, यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 1 1 एक्सोर लेना आपको, पहले और नेक्स्ट वाले बिट का क्या करेंगे एक्सोर लेंगे तो अगला आउटपुट आ जाएगा, पहले तो मैसेज कर दो 1 1 है तो 1 1 पे क्या आएगा 0, यहाँ से देखिए 1 1 पे 0, अब इसका और इसका एक्सोर लेंगे हम तो आउटपुट पे क्या आएगा 1 0 का 1, देखिए फिर इसका लेंगे इसका और इसका एक्सोर तो आउटपुट पे क्या आएगा 0 1 1 1, इसका और इसका लेंगे एक्सोर तो आउटपुट पे क्या आएगा 1 1 0, एंड फिर लास्ट वन इसका एक्सोर लेंगे 1 0 1। ठीक क्लियर है, हमने क्या किया कि पहले बिट को एज इट इज बता दिया,
सेल पे क्या आएगा, जीरो को मैच करना होगा। फिर इसका और इसका एक्सोन लिए, डिफरेंट बिट्स हैं तो आउटपुट क्या आएगा वन। फिर इसका और इसका एक्सोन लिए, डिफरेंट है तो वन आया आउटपुट। सेम इन दोनों का लिए एक्सोन तो आउटपुट क्या आ जाएगा जीरो, और इन दोनों का लेंगे तो क्या आएगा वन आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो क्या कन्वर्जन, अब कभी कभी क्या बोलते हैं कि बाइनरी से ग्रे कोड में आपको कन्वर्ट करना है, इतना हो गया पहला पोर्शन, दूसरा आगे पोर्शन जोड़ देगा, इसी का लॉजिक डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक्सोर में जो मैंने आपको सिंपल बताया था उसी से आपको बनाने के लिए आपको एक्सोर यूज होगा। तो देखिए मैंने इसको मान लिया बाइनरी दिया हुआ था, तो बी जीरो मान लिया पहली वाली बिट्स, इसको बी वन मान लिया, इसको बी टू, बी थ्री, बी फोर एंड बी फाइव, ये क्या मान लिया जी जीरो, जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर एंड जी फाइव, ठीक है। अब देखिए इसका हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है, वो किससे बनेगा, एक्सोर गेट से, क्योंकि हर जगह हम लोग कह रहे हैं एक्सोर ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम बी जीरो दे रहे हैं तो जी जीरो डायरेक्टली मिल जा रहा है, यहाँ तो कोई एक्सोर नहीं आया, हमने देखिए बी जीरो दिया, मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ थोड़ा सा डायग्राम बड़ा होगा इसीलिए देखिए पी जीरो ये है, जी जीरो ये पहला सेम आ गया, ये भी ये आ गया डायरेक्ट। अब पी जीरो और पी वन का जब एक्सोर लेना, देखिए इसका और इसका एक्सोर लिए तो आउटपुट पे क्या मिला जी वन, तो पी जीरो और पी वन का एक्सोर लेना, एक्सोर गेट का सिंपल
मैंने ये इनपुट दिया तो आउटपुट में क्या बन जाएगा, सेम जीवन दिया बीवन आ गया। अब देखिए इसमें जी टू कब आएगा, जब ये जो आउटपुट आया इसका और इसमें नेक्स्ट वाले का एग्जाम नहीं, ठीक है, तब आएगा आपका ये। देखिए ये वन ये जीरो, वन जीरो पे क्या बताया था मैंने, वन बेनिफिट एज इट इज वही उतार दिए, तो जो आउटपुट पे आया वो और नेक्स्ट वाले का एग्जाम दिए इसका और इस बिट का एग्जाम दिए, तो देखिए वन जीरो पे क्या आएगा वन। अब इसका और इसका लेंगे एग्जाम क्या है आउटपुट, फिर वन जीरो है तो वन, इसका और इसका लेंगे तो वन वन में क्या आएगा जीरो, एंड इसका और इसका लेंगे तो जीरो वन, जीरो वन में क्या आएगा वन। ये आ गया बी वन जीरो और वन के फॉर्म में होता है। तो जब हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, आप जैसे
मोबाइल ले लीजिए, ठीक है, जो डेटा स्टोर होता है वो हर चीज़ किसमें होता है, जीरो वन के फॉर्म में होता है, तो कोडिंग यही जानता है जीरो वन, ठीक है। तो उस आप जैसे लैपटॉप है या आपने देखा होगा सिस्टम है कीबोर्ड देखते हैं, तो जो आप की देखते हैं ना ए बी सी डी, उनका भी क्या होता है कोडिंग होता है, ठीक, वो भी क्या होती है जीरो वन में, लेकिन हमें लिखा रहता है, लेकिन हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें जीरो वन ना दिखा के क्या दिखाता है ए। सपोज हमने ए प्रेस किया, टू प्रेस किया तो क्या आएगा टू, फोर प्रेस किया तो क्या आएगा फोर। प्रोसेसर इतना फास्ट होता है कि वो तुरंत आपको क्या डिस्प्ले कर देता है, मेन चीज़ क्या होती है तुरंत तेजी से डिस्प्ले कर देता है। तो आप देखते हैं कि जो डेटा है बहुत आपको जीरो वन ना दिखा के क्या है सिंपल उसने ऐड दिखा दिया है वो आपने दबाया, तो यहाँ पर क्या प्रोसेसर काफ़ी फास्ट होने की वजह से आपको वो चीज़ नहीं दिखती, लेकिन वो कोडिंग किसमें होती है हर चीज़ जीरो वन में, ठीक है। स्टोर भी डेटा किसमें होता है जीरो वन में, ठीक है, और जो हम डेटा ट्रांसमिट भी करते हैं वो भी क्या होता है जीरो वन में होता है, लेकिन वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, प्रोसेसर फास्ट होने की वजह से। तो हर चीज़ क्या है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी जो डिजिट्स होंगी उसको हम क्या बोलते हैं बिट्स, और जो ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं उसको बोलते हैं बाइनरी कोड्स। जितनी भी ग्रुप ऑफ बिट्स होगी कई सारी हम बिट्स दे जीरो वन को कई सारी जैसे जीरो वन 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 जीरो ये क्या हो गए कई सारी बिट्स होती हैं, तो हमने एक बिट को छोड़ के एक बिट से क्या होगा या तो जीरो या वन, दो बिट लेते हैं आपने देखा जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ऐसे जितनी बिट्स बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ बिट्स उसमें क्या बोलेंगे बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स चूँकि रिप्रेजेंट करता है दोनों ही क्या होगा नंबर्स और अल्फाबेट्स, ठीक है, नंबर्स और अल्फाबेट्स यानी लेटर्स। तो जो बाइनरी कोड्स होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है दोनों ही नंबर एंड अल्फाबेट्स को, अल्फाबेट्स यानी लेटर्स, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी एंड कंट्रोल फंक्शंस। जैसे आप देखते हैं कीबोर्ड में देखा होगा आपने स्पेशल कैरेक्टर डैश, ठीक है, ये सब आता है आपने देखा होगा, कॉमा आप लगाते सेमी कॉलन लगाते हैं, ये सब क्या है, और इसको कंट्रोल फंक्शन भी होगा ये सब, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स आप जो यूज करते हैं एट द रेट और सेमी कॉलन ये सब क्या है कंट्रोल फंक्शन वगैरह, इसमें जो आप देखते हैं कि ये क्या है दोनों ही नंबर्स और लेटर्स जो कि रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अल्फाबेट्स स्पेशल कैरेक्टर्स कंट्रोल फंक्शन से सभी करो तो बाइनरी कोड्स, ठीक है। अब बाइनरी कोड्स में हम पहला पढ़ेंगे टॉपिक वो है बीसीडी। बीसीडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीसीडी बीसीडी आपको बीसीडी बताओ फुल फॉर्म किसी को, बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी हमें क्या करना है जो बीसीडी है बीसीडी का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल आप जानते हैं डेसिमल क्या होता है, उसमें कुल डिजिट कितनी होती है टेन, जो कि जीरो से नाइन होती है, क्योंकि डेसिमल का बेस कितना होता है टेन, टेन बेस होता है, इसीलिए डेसिमल में जो कुल डिजिट होती है वो दस होती हैं, वो कहाँ से होती है जीरो टू नाइन तक, जीरो से नाइन आप काम कर लीजिए कितना होगा टेन, ठीक है, क्योंकि बाइनरी को भी डेसिमल। अब वही चीज़ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेसिमल को कोड कर दे रहे हैं बाइनरी में, उसको बोलते हैं बाइनरी कोड है डेसिमल सिंपल, ठीक है, डेसिमल को हमने कोड कर दिया किसमें बाइनरी में, उसको क्या बोलेंगे बाइनरी कोड है डेसिमल, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहला बता दे रहा हूँ इट हैज वेटेड कोड, वेटेड कोड, इट हैज वेटेड कोड, वेटेड या पोजिशनल नंबर सिस्टम, ठीक है, इट हैज फोर बिट कोड, फोर बिट कोड, थर्ड पॉइंट it is also called as 84212, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया it is weighted code and it is also called binary coded decimal जो कि BCD का फुल फॉर्म है, it has 4 bit code, it is also called as 84214, ठीक है,
ठीक है। एंड एक और पॉइंट है कि ईच डेसिमल डिजिट, ईच डेसिमल डिजिट
तो हो गया यहाँ डेसिमल। आगे देखते हैं कि और कितने नंबर्स हैं।
इसको आपको इंप्लीमेंट करना बाइनरी और बीसीडी में। देखिए बाइनरी क्या होगा, 10 का अगर मिलाने है 8 और 2 10। बाइनरी में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाइनरी आप चाहे जितना भी बड़ा लिखेंगे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ बिट्स इतनी ही होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड होगी उतनी ले सकते हैं। लेकिन बीसीडी में रिस्ट्रिक्शन है कि हम 40 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन 0 से 9 उससे ऊपर नहीं कर सकते। ये तो होगा बाइनरी। अब देखिए बीसीडी में जो है, बीसीडी में 10 को हम क्या लिखते हैं, 0 को अलग लिखेंगे 4 बिट्स में, 1 को अलग लिखेंगे 4 बिट्स में, सिंपल ठीक है। 1 को अलग रिप्रेजेंट कर दीजिए और 0 को अलग रिप्रेजेंट कर दीजिए 4 बिट्स में, तो वो हो जाएगा 10। 10 को हम क्या यानी 1 को क्या लिखेंगे, 1 हमें ऐसे मिलेगा, ये 1 ऐसे मिलेगा, तो इसको बंद कर दिए सब 0, 1 का क्या हो गया 0 0 0 1, और 0 को क्या लिखेंगे, सभी 0 होना चाहिए, ये हो गया 0 0 0 0, ये हो गया बीसीडी। समझ में आया, एक बार और बता दे रहा हूँ, 10 एंड 10 की बाइनरी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 और 2 10, 1 0 1 0 याद। लेकिन बीसीडी में क्या होता है, 0 से 9 तक हम लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उससे ऊपर जाते हैं तो इनवैलिड नंबर्स हो जाते हैं, इनवैलिड कोड ठीक है, या डोंट कैल जिनको बोलते हैं, तो हम 10 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये बाइनरी में लिख सकते हैं लेकिन बीसीडी को 10 लिखना है, 1 को अलग रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को अलग, वो भी किसमें 4 बिट्स में, तो हमने बंद कर दीजिए बाइनरी, हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से लिख लेंगे 1, हमें यहाँ से मिलेगा तो ऊपर 0 और ये वाला हाई हो गया, 0 कैसे मिलेगा, सभी 0 होना चाहिए, सिंपल है। तो ये आगे किसी एक मिनट में और एग्जाम्पल 25 लेते हैं, इसका बाइनरी रेट देखेंगे और क्या देखेंगे बीसीडी 25, हम पहले बाइनरी लिखते हैं, इससे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, इससे तो आप 15 ही लिख सकते हैं ना, 8 4 12 2 4 15, एक और मिनट ले लेते हैं ये 16। अब ये 25 की बाइनरी क्या होगी, 16 और 8 कितना हुआ 24 और 1 25, यानी ये वाला वन ये तो 0 और 1 ये भी जोड़ लीजिए, ये है 1 तो 16, ये है 1 8 24 और 1 25, 25 की बाइनरी क्या होगी, ये हो गए है ना। लेकिन आपको अब लिखना है बीसीडी, तो 25 का बीसीडी क्या होगा, ओनली 4 बिट्स पर लेना है, तो इसके लिए ये वाली जरूरत नहीं होगी बिट्स, यही लेना है नंबर, 4 बिट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बीसीडी, तो हमें लिखना चाहिए 2 को अलग लिखेंगे और 5 को अलग, 4 बिट्स में ठीक। 2 का क्या होगा, 2 आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, इसको बंद कर दीजिए, वो 0 और 5 का लिखना तो कैसे लिखेगा, 4 और 5, ये वाला काम ये वाला काम, ये दोनों 0, देखिए 2 का हो गया 0 0 1 0 और 5 का क्या हो गया 0 1 0 1, ये हो गया बीसीडी में ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है ठीक है, आप एक क्वेश्चन ले सकते हैं 184 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में लिखना है और बीसीडी में लिखना है ठीक। ये आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, 184 बाइनरी में क्या रिप्रेजेंट करेंगे बीसीडी में। इसके बाद अब हम कर देखेंगे कि एडिशन, बाइनरी में एडिशन कैसे करते हैं, क्या रूल है ठीक है, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा क्या प्रोसेस है एडिशन करने के, 2 स्टेप होते हैं बस, दोनों स्टेप डिस्कस करेंगे, और हम लोग ये जो लिख दे रहे हैं डायरेक्ट वो कैसे आ रहा है वो देखेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें ऐड करते हैं कुछ तभी आपका आ पाता है ठीक, तो वो कल हम लोग करेंगे डिस्कस ठीक है, और कल पूरा एडिशन देखेंगे कि बीसीडी में एडिशन कैसे करते हैं ठीक है, तो कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बीसीडी आगे डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।